Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ये असुर सुरक्षा महाअस्त्र है वो अस्त्र जिसे भूमि में गाड़कर जहां तुम खड़े होगे वहीं से तुम्हारी शक्ति अनेक गुना बढ़कर चारों दिशाओं में फैलने लगेगी जब तक तुम इसके निकट रहोगे तुम्हारी अकाल शक्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी इतना ही नहीं स्वयं वरुण देव अर्थात जल के देवता भी तुम्हारे आगे विवश हो जाएंगे तुम्हारा फैलाया अकाल मिटाने में असमर्थ हो जाएंगे वो तो क्या स्वयं त्रिदेव भी आ जाए स्वयं देवी दुर्गा भी प्रकट हो जाए तो भी तुम्हें रोकना असंभव होगा मुझे आभास हो रहा है कि कोई बड़ा कपट जाल रच रही है मायासुरा से परंतु मैं ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या है किंतु प्रभु अभी तो भोजन का समय है आज समय है प्रभु आप भी मन भर कर खाइए और मुझे भी पानी दीजिए फिर कल युद्ध आरंभ होने के बाद कहाँ अवसर मिलेगा उचित है किंतु मैं केवल मोदक खाऊंगा नहीं आपके लिए मोदक ही लाया हूँ प्रभु अन्य व्यंजन मैं खा लूंगा मूषक जी आप तो अधिक मात्रा में भोजन लेकर आ गए भोजन लालच नहीं आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए विशेष रूप से तला भोजन तो बहुत सावधानी से करना चाहिए नहीं तो अपच हो जाता है और प्यास भी बहुत लगती है प्रभु आज मत रोकिए क्योंकि जितना भोजन करूँगा युद्ध के लिए उतनी ही ऊर्जा मिलेगी मुझे महास्त्र देकर आपने मुझे धन्य कर दिया गुरुवर कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं अब देखिए आपका ये शिष्य गजासुर द्वितीय कैसे देवताओं को त्राहिमाम करने पर विवश करता है बस इतना स्मरण रखना वत्स इस महाअस्त्र की ये विशेषता है इसको क्रियान्वित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई इसे नष्ट कर दे विजयी भवा अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेने से ये कैसी भयंकर गर्जना है इसकी कहीं ये इस अस्त्र के प्रयोग की तैयारी तो नहीं कर रहा अनेकों गुना बढ़ गई है मेरी ऊर्जा सावधान देवताओं अब मैं सर्वनाश करूंगा तुम्हारा हाँ।
हे माता, ये क्या? ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं। तो मेरी शंका उचित थी, किसी भयानक मायावी शक्ति का प्रयोग कर ये दुष्ट संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश पर तुला है। प्यास का तो सरल उपाय है जल। अभी समाप्त होना था इस जल को। मेरी प्यास बढ़ती जा रही है प्रभु, मैं जल लेकर अभी आया। ये सब पात्र तो जल से रिक्त है, जल की एक बूंद भी नहीं है यहाँ, किंतु जलाशय में अवश्य जल मिलेगा, वहीं चलता हूँ। ये जलाशय कैसे सूख गया? कहाँ गया इसका जल? प्रभु, कैसी अवस्था हो गई है मेरी? प्यास से मुख सूखा जा रहा है और कहीं जल नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था मूषक जी, लालच बुरी बला है, और तले भोजन का लालच तो करेला वो भी नीम चढ़ा है। मुझसे भूल हो गई प्रभु, क्षमा करें, दया करें, अपने सेवक पर अपनी लीला को रोक दीजिए प्रभु, क्योंकि जल के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मूषक जी, मेरी लीला नहीं, किसी की माया है ये। मूषक जी ही नहीं, संपूर्ण देव सेना प्यासी है, और जल कहीं नहीं। प्रभु, हो ना हो ये वही अनिष्ट है जिसका आपको आभास हुआ था। इस अनिष्ट का कारण हमें ही ज्ञात करना होगा मूषक जी, आइए। राता, जल जैसे पृथ्वी से अदृश्य ही हो गया है, कहाँ जाऊं, जल कहाँ से लाऊं? ये तो अत्यंत भीषण और विकट स्थिति है। महेंद्रपुरी में उन असुरों को जल की कोई कमी नहीं। हाँ प्रभु, हमारे शत्रु तो जल से घृणा कर रहे हैं और उसे अकारण व्यर्थ कर रहे हैं, और यहाँ जल का ऐसा अभाव है कि हमारे सैनिक प्यास से व्यथित हैं। आपः प्रणीत भेषजम् वरुधम तन्वे मम ज्योक्चा सूर्यम् दृशे। अर्थात हे जल समूह,
जीवन रक्षक औषधियों को हमारे शरीर में स्थित करें, जिससे हम निरोग होकर चिरकाल तक सूर्य देव का दर्शन करते रहें। हमारे देवताओं और सैनिकों की रक्षा हो। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, अन्न, वायु और जल। जो इसका संचय नहीं करेंगे, उन्हें तो इसका परिणाम भुगतना ही होगा। किंतु ये स्पष्ट है, उन असुरों के पास जल का कोई अभाव नहीं है। अवश्य इसके पीछे माया सुरासई की ही चाल है। आइए हम शीघ्र जाकर भ्राता को सूचित करें। अनुज गणेश, ये किस प्रकार का संकट है? समस्त संसार में जल सूख गया है, जल कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने जल तत्व से भी जल प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। और तो और, वरुण देव तक जल प्रकट करने में असमर्थ रहे। वरुण देव, अब आप ही बताइए प्रथम पूज्य, आप ही बताइए मैं क्या करूं। माया सुरसई, मैंने अपने महास्त्र से गजासुर द्वितीय के तप के प्रभाव को इतना बढ़ा दिया है कि देवता कितना भी प्रयास कर लें, गजासुर द्वितीय का अकाल नहीं रोक सकेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है माया सुरसई। असुर गुरु, मैं आपकी आभारी रहूंगी। युद्ध के पहले ही हमारी सेना को धराशायी करने की ये माया सुरासई की चाल है। अकाल के कारण को ढूंढकर शीघ्र ही उसे नष्ट करना होगा, अन्यथा अनुज ये युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हम पराजित हो जाएंगे। एक उपाय है भ्राता, हर आपदा का कोई केंद्र होता है, जहाँ से उसका आरंभ होता है और जहाँ उसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। यदि हम उस केंद्र को ढूंढ सकें, तो इस संकट का कारण और समाधान दोनों हमें एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। किंतु हम वो केंद्र ढूंढेंगे कैसे? जिस प्रकार सागर की गहराई सागर में उतर कर ही ज्ञात की जा सकती है, उसी प्रकार किसी भी समस्या या आपदा की शक्ति उसके केंद्र के निकट जाकर ही ज्ञात होगी और इस अकाल के केंद्र की ओर ले जाएगी हमारी प्यास। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, हमें ज्ञात होगा कि हम उस केंद्र के निकट पहुंच रहे हैं। किंतु हम दोनों को तो प्यास लगती ही नहीं। इसका समाधान तो अत्यंत सरल है प्रभु। ऐसे किसी को अपने साथ ले जाइए जो प्यास से पहले ही त्रस्त हो, जैसे मैं। ओहो, ये क्या किया मैंने? अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी, नहीं नहीं, कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव दे मारा। प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, प्यास के कारण बहुत दुर्बलता का आभास हो रहा है मुझे। प्रभु प्रभु प्रभु, इसलिए तो आप मेरे वाहन नहीं अपितु मैं आपका वाहन बना हुआ हूँ मूषक जी। आप तो बस मुझे इतना बताते रहिए कि आगे बढ़ने पर आपकी प्यास बढ़ रही है या नहीं, तभी पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा प्रभु। मूषक जी ध्यान से सोचिए और उत्तर दीजिए। उचित है प्रभु, मेरी प्यास तो वैसी ही है जैसे आरंभ में थी। अच्छा, अर्थात हम अकाल के केंद्र में नहीं, कहीं और ही जा रहे हैं। हमें दिशा बदलनी होगी। अति उत्तम, प्यास बढ़ना तो अच्छा संकेत है मूषक जी। आप अपनी ऊर्जा बचाइए मूषक जी, अधिक बोलेंगे तो और प्यास बढ़ेगी। हाँ प्रभु, ये उचित दिशा है, मेरी प्यास कम हो रही है। अर्थात ये अनुचित दिशा है, हमें उस ओर जाना चाहिए जहाँ आपको सर्वाधिक प्यास लगे, क्योंकि वही इस समस्या का केंद्र होगा और वहीं जाकर हमें इसका समाधान भी प्राप्त होगा।
ये कैसा महासंकट छा गया हम सब पर? ये सूखा, ये अकाल, ये संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। सृष्टि को इस महासंकट से अब वही बचा सकती है, सृष्टि की माता, सृष्टि की देवी, जो स्वयं प्रकृति है, जगत जननी है, माता पार्वती। हे माता, जब जब सृष्टि पर विकट संकट छाया है, आपने सदा अपने संतानों की, सभी जीवों की रक्षा के लिए संहारक रूप धारण किया है। हे माता, आज फिर इस दुष्ट के प्रकोप से पृथ्वी पर आपके संतानों पर अग्नि बरस रही है। अब आप भी अग्नि बरसाओ माता, अपने उग्र रूप में उस दुष्ट पापी पर, उसे नष्ट करके हमें इस कष्ट से मुक्ति दो माता, मुक्ति दो। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कोई वहां माता से सहायता की गुहार लगा रहा है, कदाचित उसे कुछ ज्ञात हो। माता ने यदि गुहार सुन ली तो मेरे प्राण बच जाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। किसकी पुकार है? मेरा कौन भक्त मुझे पुकार रहा है? किस संकट में है वो? वो नहीं, संपूर्ण सृष्टि संकट में, मेरी सभी संतानें कष्ट में, कि तू कौन है इसका कारण? अद्भुत है आपका ये दिव्य रूप, ये दिव्य तेज। जागृत हो गई है माँ, अवश्य अपने भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए रौद्र रूप धारण कर रही है। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
माता अपने देवी उग्रचंडी स्वरूप में आ रही हैं, सृष्टि की रक्षा करने। रखते ही सृष्टि की ये दुर्दशा, तो दूसरा पग रखते ही सृष्टि का सर्वनाश ही हो जाएगा। भस्म का ढेर बनेगी ये सृष्टि। ना तो कार्तिकीय शेष बचेगा, न कोई जीव जंतु, बस महेंद्रपुरी के वासी मेरे असुर ही जीवित रहेंगे। नमन माता, आपको शत शत नमन। गजासुर द्वितीय को गिराने का दुस्साहस किया, गजासुर द्वितीय को गिराने का दुस्साहस किया। देवी यहाँ तो क्या मेरा अंत आ गया है? क्या ये अपने त्रिशूल से मेरा वध कर देंगी? ये असुर सुरक्षा महाअस्त्र, जब तक तुम इसके निकट रहोगे तुम्हारी अकाल शक्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। इतना ही नहीं, स्वयं देवी दुर्गा भी प्रकट हो जाए तो भी तुम्हें रोकना असंभव होगा। गजासुर द्वितीय, तुमने प्रकृति के साथ क्रीड़ा करने का दुस्साहस किया जिसे मैं कदापि सह नहीं करूंगी। यदि तुमने शीघ्र इस दुस्साहस का अंत नहीं किया तो मैं तुम्हारे जीवन को मृत्यु के अंधकार में भेज दूंगी। नहीं देवी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकोगी, परंतु विचित्र बात तो ये है, सृष्टि पर इतना बड़ा संकट छाया है, फिर भी न तो शिव पुत्र आया मुझे रोकने के लिए, न ही स्वयं शिव। आपको भेज दिया। मूर्ख असुर, मैं आई क्योंकि तुम्हारी नियति में मुझसे ही मृत्यु पाना लिखा। तुम्हारी गर्जना से, तुम्हारी चेतावनी से भयभीत होने वाला नहीं हूँ देवी। अपार तपोबल अर्जित किया है मैंने, तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, नहीं रोक सकती हो। चाहो तो प्रयास करके देख लो। जब तक मेरे पाँव यहाँ पृथ्वी पर टिके हैं ये अकाल इसी प्रकार फैलता जाएगा। जहां तक मेरी इच्छा होगी सब मर जाएंगे, शेष बचेंगे केवल असुर। चिंता मत करो सुरापद्मन, गजासुर द्वितीय को रोकने देवी अवश्य स्वयं आई है, किंतु उसके तप और असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिए गए महास्त्र के कारण उसे हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, अपितु उसकी शक्तियों के निरंतर बढ़ने के कारण सृष्टि की ही हानि होगी।
उचित है देवी, पराजय का अपमान सहना ही चाहती हो तो लो मेरे त्रिशूल का प्रहार सहो। और मृत्यु भी, वो भी मेरे हाथों। कहा था ना मैंने, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा मुझे। अपना प्रतिशोध लेने तक मैं ऐसे ही विनाश करता रहूंगा। ये तो बहुत अच्छा संकेत है। प्रभु, मेरे प्राण जाते जाते रह गए और आप इसे अच्छा संकेत कह रहे हैं। हाँ मूषक जी, कभी कभी संकट में भी अच्छे संकेत छिपे होते हैं। ये अस्त्र जहाँ से आया है, आपदा का केंद्र वहीं कहीं है, अर्थात हम उचित दिशा में बढ़ रहे हैं। किंतु अब और शीघ्रता करनी होगी हमें। ये कैसा सर्वनाश है प्रभु, एक तो प्यास नहीं बुझी और अब ये युद्ध भी छिड़ गया। प्यास से मृत्यु नहीं हुई तो इस घमासान युद्ध में जाने से अवश्य मर जाऊंगा। मेरा ये शूल प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा देवी। क्यों सुरक्षित है, इसका रहस्य ज्ञात कर शीघ्र इसका अंत करना चाहिए मुझे। देवी, मुझे दुर्बल समझने की भूल कर रही होती। इस युद्ध में यदि किसी की क्षति होगी वो स्वयं तुम्हारी, क्या तुम्हारी सृष्टि की। इसीलिए उचित यही होगा कि अपनी पराजय स्वीकार कर तुम स्वयं यहाँ से चली जाओ। तुम्हें अस्त्र प्रहार कर रही हो, इस सृष्टि की रक्षा करने आई हो,
उसे ही नष्ट करना चाहती हो तो कर लो अपनी ये इच्छा पूरी। किंतु तुम्हारे अन्य अस्त्रों के समान ये अस्त्र भी मुझ तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाए। सृष्टि की चिंता तो मुझ पर छोड़ दो दोस्त, तुम स्वयं अपनी चिंता। ये क्या, देवी के प्रहार ने मेरा आकार छोटा कर दिया? अभी तो केवल तुम्हारा आकार ही लघु किया है, अब तुम्हें संसार से भी लुप्त कर दूंगी। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी समस्या के भीतर ही अंतर्निहित होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।